नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त राहुल मेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और एक नई वीडियो में। दोस्तों, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने किसी मोबाइल लोन एप्लीकेशन के माध्यम से लोन लिया है और अब तक आपने उसका भुगतान नहीं किया है, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को आप कहीं से स्किप ना करें, वीडियो को आप लास्ट तक देखें। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं आपको प्रॉपर जानकारी नहीं मिल पाएगी जो मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। और गाइस, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर हैं और आप चाहते हैं हम आपके लिए इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन लेकर के आते रहें, कृपया करके चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑन कर दें ऑल नोटिफिकेशन को। उससे क्या होगा, कोई भी हमारे द्वारा वीडियो लेकर के आई जाएगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए, ज़्यादा वक्त न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, प्ले स्टोर पर बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है जो कि आपको इंस्टेंटली लोन प्रदान कराने का दावा करती है आपके पैन कार्ड आपके आधार कार्ड पर। और जब व्यक्ति उनसे लोन लेता है उनकी प्रॉपर तरीके से कॉन्टैक्ट लिस्ट को वो एक्सेस कर लेती हैं और उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल करके कहती हैं कि फलाने व्यक्ति ने हमसे लोन लिया है और वह व्यक्ति चोर है, वह व्यक्ति 420 है, मतलब उसके कैरेक्टर को प्रॉपर तरीके से ये लोग खराब करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आपके साथ में जब ऐसा किया जाता है आप बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, आप घबरा जाते हैं, आपको कुछ भी समझ नहीं आता है, आप चाहते हैं कि अब इनके ऊपर आप करें तो करें क्या, आप हार करके थक करके कहीं से इधर उधर से पैसा लेकर के इनका भुगतान कर देते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, अगर आपके साथ में कोई इस प्रकार का इश्यू क्रिएट हो रहा है, देखिए, अगर आपने किसी भी RBI रजिस्टर्ड एप्लीकेशन से लोन लिया है, आपका परम कर्तव्य बनता है कि जिससे पैसा लिया है उसको आप ऐसे ही वापस कर दें। बट दोस्तों, अगर आपके पास में पैसा नहीं है, कोई आपको डराए आपको धमकाए, आप इनसे डरे ना, आप इनसे प्रॉपर तरीके से खुल करके सामना करें। ऐसे ही हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है सद्दाम राणा। सद्दाम राणा मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से हैं। सद्दाम राणा जी के साथ में भी कुछ इसी प्रकार का इशू क्रिएट हुआ। पहले आप ये कॉल रिकॉर्डिंग सुनिए, उसके बाद में मैं आपको आगे गाइड करता हूं। और गाइस, जो कॉल रिकॉर्डिंग में अब्यूजिंग वगैरह की जाएगी उसको हम प्रॉपर तरीके से बीप कर देंगे, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं भी हमारी रिकॉर्डिंग्स वगैरह को प्रॉपर तरीके से सुनती हैं, वीडियोस वगैरह जो हम अपलोड करते हैं, हम किसी भी अपनी वीडियो में अब्यूजिंग वगैरह की जो रिकॉर्डिंग्स हैं उनका प्रयोग नहीं करते हैं। आप इस बात को भली भांति जानते होंगे। मेरे कॉन्टैक्ट को गाली दे रहे हो ना, ठीक है, मेरे को पहले तो बाय मत बोल। मैं तुम हाँ, मुझे कोई पता नहीं, मैं भाई नहीं दे गाली दे तू, मैं यही तो चाह रहा हूँ तू गाली दे, तुझे मैं बताऊंगा। तू किधर चौकी में बैठा है ना तू? हाँ। अपनी माँ के साथ बैठा है या अकेला बैठा है? मैं अकेला ही बैठा हूँ, कोई बात नहीं, तू दे गाली। मम्मी को लेके जाना, मम्मी को लेके जाओ और वहाँ पे गंदा घुसा मम्मी के साथ। अच्छा, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ, तो माय डियर फ्रेंड्स, आपने एक कॉल रिकॉर्डिंग सुनी। आपको इस कॉल रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद में समझ आ गया होगा किस तरीके से ये रिकवरी एजेंट व्यक्ति पर दबाव बनाते हैं, किस तरीके से उसको ब्लैकमेल करते हैं। ना तो इसको कानून का डर है, ना इसको पुलिस प्रशासन का डर है। तो गाइज, मैं आपको बताना चाहूंगा, सद्दाम राणा जी के द्वारा जब ये परेशान हो गए, प्रॉपर तरीके से साइबर सेल में प्रॉपर तरीके से कंप्लेंट फाइल कर दी है, ये उसकी कॉपी है। मैंने कुछ डिटेल जो है प्रॉपर तरीके से ब्लर कर दी है, उसका रीजन ये है क्योंकि देखिए, यूट्यूब की पॉलिसी है कि गवर्नमेंट कोई ऐसी चीज है तो वो दिखाना उचित नहीं है। तो गाइज, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, जब तक आप इनसे डरते रहेंगे, ये आपको डराते रहेंगे, ये आपको धमकाते रहेंगे। एप्लीकेशन इस प्रकार की हरकत कर रही है। मैं आपको एप्लीकेशन का नाम जो है स्क्रीनशॉट के माध्यम से यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये एप्लीकेशन है। तो दोस्तों, आप वो ऐसी एप्लीकेशनों के खिलाफ अगर आपके साथ में किसी प्रकार का इशू क्रिएट हो, शिकायत दर्ज कर देनी है इंस्टेंटली। आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। IT एक्ट के तहत इनके ऊपर प्रॉपर तरीके से एक्शन होगा। किसी को भी कानून में ये अधिकार नहीं है कि आपकी इज्जत पर प्रहार करे। बस मेरा उद्देश्य इस वीडियो को बनाने का इतना ही है कि जितने हो सके जाकर के साइबर सेल में कंप्लेंट फाइल करें, और साइबर सेल में कंप्लेंट फाइल जब तक आप नहीं करेंगे किसी प्रकार का आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और दोस्त, अब आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि क्या उत्तर प्रदेश पुलिस जो है इसको प्रॉपर तरीके से बैन कर देगी, क्या ऐसी एप्लीकेशन पर उत्तर प्रदेश पुलिस रोक लगाएगी। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस 100% रोक लगाएगी जब तक प्रॉपर तरीके से उत्तर प्रदेश से शिकायत जाएंगी। ऐसे ही अगर आप किसी भी राज्य या किसी भी स्टेट से आप कंप्लेंट वगैरह वहां पर डालेंगे तो प्रॉपर तरीके से वो इन्वेस्टिगेट करेंगे उसको और प्रॉपर तरीके से उस पर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन आप सोच रहे हो कि एक या दो कंप्लेंट से ऐसा हो जाएगा, मेरे दोस्त, बिल्कुल नहीं होगा। चाहे आप कुछ भी कर लीजिएगा, एक या दो कंप्लेंट से किसी प्रकार का कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको पता होगा, हम किसी भी व्यक्ति से ना तो 1 रुपये का चार्ज करते हैं और ना भविष्य में किया जाएगा, क्योंकि देखिए, हम जो निस्वार्थ तरीके से जितना हो सकता है हमारे पास में जो इन्फॉर्मेशन है, हम जो बेसिक जानकारी रखते हैं वो आप तक पहुंचा देते हैं। क्योंकि देखिए, बहुत से लोग सोचते हैं कि हमने भैया जय जनशक्ति को मेल कर दिया है। जय जनशक्ति कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं है। जय जनशक्ति आपके ईमेल पर जो जय जनशक्ति के राहुल निमेश के पास में जानकारी है प्रॉपर तरीके से आपको अप टू डेट कर देता है, जो भी आप जानकारी उससे लेना चाहते हैं। अगर जानकारी नहीं भी है तो हम उसको प्रॉपर तरीके से कलेक्ट करते हैं और प्रॉपर तरीके से आपको बता देते हैं। तो सद्दाम जी के द्वारा एक क्वेश्चन और किया गया था कि क्या हम जो उनके साथ में इशू हुआ इसको कंज्यूमर फोरम में लेकर के जा सकते हैं। डेफिनेटली आप जा सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। आप कंज्यूमर फोरम में लेकर के जाइए, क्योंकि आपने जो मुझे बताया कि ब्लूटूथ वगैरह का कोई इशू था, आप कह रहे हैं कि
ब्लूटूथ ये कह रहे हैं कि डिलीवर कर दिया, आप कह रहे हैं कि मैंने ब्लूटूथ वगैरह कोई परचेज नहीं किया है, तो इसके लिए आप कंज्यूमर फोरम में क्या करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दोस्तों अब देखना होगा उत्तर प्रदेश पुलिस का क्या एक्शन होगा। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करें शेयर करें, और मैं आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूंगा कि आखिर किस प्रकार का इनके ऊपर एक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, अगर सद्दाम राणा जी हमें अपडेट करेंगे तो। धन्यवाद, बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।